बार फिर से बनेगी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र, ये फुल्ली कॉन्फिडेंस से उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। क्यों, क्या है उनका बेसिस? उन्होंने रीजंस भी दिए और ये भी बताया। मैं सिर्फ आपको न्यूज़ बता रहा हूँ, जबकि आपको न्यूज़ पता होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सरकार बनी तो आप समझ जाइए सुशांत सिंह राजपूत का केस फिर वापस से अंधेरे में भटक जाएगा। क्योंकि जिस तरह का रवैया उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने शिवसेना के साथ किया और कांग्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ अनिल देशमुख, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, संजय राउत, उद्धव ठाकरे जी और बाकी सब लोगों ने, नवाब मलिक, इन सब ने सुशांत सिंह राजपूत के केस के ऊपर जो जो चीज़ें की, उससे ये तो साबित होता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के पास नहीं जाने देना चाहते थे। वो बोलते थे मुंबई पुलिस ही काम करेगी, उन्होंने सक्षम काम किया है और जिस तरह से मुंबई पुलिस ने काम किया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो चलो इस बारे में क्या आप इसको देखने की, इस न्यूज़ को जाने के बाद ये ज़रूर लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा क्या चीज़ है जो आप कर सकते हैं, ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ऐसा क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं वो करिए, क्योंकि क्या चीज़ों से फ़र्क पड़ता है ये बताऊंगा आपको, कैसे तरह से क्या हो सकता है। चलो, और किस तरह से प्रेशर, आज भी क्योंकि प्रेशर तो बनाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली, क्योंकि सीबीआई उनकी है, तो अब सवाल तो बीजेपी के ऊपर भी आता है। चलो पहले उद्धव ठाकरे जी की बात करते हैं कि किस तरह से उन्होंने क्लियर कट बोला कि अब इनकी सरकार आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हाथ जोड़ के प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ सर जी कि आप सब लोग मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि यही एक जरिया है मुझे इंसाफ की लड़ाई के लिए बात करने का। चलिए मैं बताता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा, उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि इस शनिवार को मार्मिक पत्रिका जो आती थी, मार्मिक पत्रिका वो है जो बाला साहब ठाकरे के पिता केशव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे इन दोनों ने आज से 62 साल पहले शुरुआत की थी, जबकि आज़ाद होके हिंदुस्तान को 13 साल हो चुके थे, जब भारत को 13 साल हो चुके थे आज़ाद होने के बाद, तब ये मार्मिक पत्रिका शुरू की गई थी बाला साहब ठाकरे और उनके पिता के थ्रू, जब उसको आज 62 साल हो गए हैं और उद्धव ठाकरे जी की उम्र भी 62 साल है, मतलब कहना है चाहते उनके जन्म से ये मार्मिक पत्रिका था चालू हुई थी, जो महाराष्ट्र की पत्रिका थी, ये बात है सच कि बाला साहब ठाकरे जी ने ये चालू किया था, क्योंकि वो बड़े अच्छे लीडर थे और सामने आके अपने लोगों के लिए, क्योंकि मराठी लोगों के लिए तो बहुत बाला साहब ठाकरे ने किया, अगर बाला साहब ठाकरे ना होते तो पता नहीं महाराष्ट्र में मराठी लोगों का क्या होता, मराठी फिल्म इंडस्ट्री तो कब की बंद गई हो गई थी। तो दूसरी बात बताता हूँ कि 1960 में इनके चाचा और दादा इनको ने मिलके ये चालू किया मार्मिक, जिसमें बाला साहब ठाकरे की मेन ये थी, आज उसकी 62वीं वर्षगांठ है। और ये तो उन्होंने मार्मिक पत्रिका के बारे में कहा, और अब उन्होंने बीजेपी के ऊपर पूरा कड़ा वार करके ये कहा है कि मैं, क्योंकि जिस तरह से न्यूज़ है ना उस तरह से बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ ऐड ना किया जाए, बस सजेशंस आपको दे सकते हो लास्ट में अपनी तरफ से, इसीलिए मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ आपको कि महाराष्ट्र सरकार ने बीजेपी पर कड़ा वार किया और ये कहा है कि पहले वो शिवसेना प्रमुख थे उद्धव ठाकरे, फिर मुख्यमंत्री बने, आज फिर वापस से शिवसेना प्रमुख है और पूरी तरह से वो अंदर से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, लोग उनके साथ आज जुड़ रहे हैं वापस से, क्योंकि उन्होंने समझा है लोगों ने कि ये सब उनका कहना है कि इन्होंने समझा है लोगों ने कि दूसरी सरकार में जाने के बाद उनका वो कोई भला नहीं कर रहे, वो सिर्फ मुद्दे पे टॉपिक पे बात करते हैं, यहाँ तक कि उनको समझ में आ गया वो लोग इनके पास वापस आने को तैयार है और आ रहे हैं और वापस से शिवसेना सरकार खड़ी हो जाएगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है क्या है वो उद्धव ठाकरे जी जाने या फिर एकनाथ शिंदे के जो लोग हैं वो जाने, और फिर कांग्रेस के लीडर तो है वो तो कुछ एमएलए तो उनके होंगे ही ना, तभी तो ये हुआ था सरकार बनी थी उद्धव ठाकरे जी की। अब उसके ऊपर और एक कटाक्ष वार करते हैं मोदी जी के ऊपर उद्धव ठाकरे जी, क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये संघीय ढांचे की, मतलब इस तरह से बताया कि एक बहुत ही कुछ भी बनाई हुई दीवार है इनकी बीजेपी की भी, जो कुछ भी नहीं कर सकती है, सिर्फ घर घर तिरंगा ये नारा लगाती है और इससे कुछ नहीं हो, इस घर घर तिरंगा लगाने से देशभक्ति साबित नहीं होती, ये कहना है इनका। ये तो इस तरह के व्यंग लोग हैं, अपाहिज लोग हैं कि ये तो देश का भला तो दूर की बात है, ये तो बोलते हैं कृष्ण को भी माखन चढ़ाने के पहले TDS भरो, टैक्स भरो, फिर जाके कृष्ण को आप माखन चढ़ा सकते हो, ये किस बेसिस पे बोला उन्होंने ये नहीं पता,
5%, हाँ 5% GST भरो और फिर उसके बाद ये करो। तो ये केवल तिरंगा लगाना, इनकी ये उन्होंने बोला अपनी तरफ से, केवल तिरंगा लगाना देशभक्ति का सबूत नहीं। अब ये उद्धव ठाकरे जो आज बोल रहे हैं, आपको मैं बता देता हूँ, जब 2019 में इलेक्शन हुए और उद्धव ठाकरे जी सरकार में आए, उसके बाद 2020 में कोरोना आया, इसके बाद से 2019 से 2020 की शुरुआत में कोरोना तक बीजेपी ऑफकोर्स अपोजिट थी उद्धव ठाकरे जी के सरकार के बारे में। कोरोना आते ही बीजेपी सरकार भी उद्धव ठाकरे जी की तारीफ कर रही थी। फिर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद फिर बीजेपी सरकार अपोजिट में हो गई और बहुत ज्यादा ये कर रहे थे तब, लेकिन हर बार उद्धव ठाकरे जी इस तरह से नहीं बात कर रहे थे, क्योंकि जब कोई सत्ता में होता है ना तो थोड़ा रेपुटेशन, थोड़ा अपनी तरफ से बहुत कुछ सोच समझ के बात करता है, जब सत्ता से बाहर हो जाते तो फिर बिंदास बात करते हैं, जिस तरह का एग्जाम्पल हमारे पास है नितेश राणी जब तक सत्ता के बाहर थे बिंदास धड़ाधड़ बोल रहे थे। आज नितेश राणी सत्ता मिल गई है तो नितेश राणी शांत हो गए, नारायण राणे शांत हो गए, देवेंद्र फडणवीस भी अब ज्यादा बात नहीं करते, अच्छा जानते अब तुम्हारी पोजीशन ही नहीं है तो अब तुम्हारे बारे में बात करके क्या फायदा। अब यही लोग बोल रहे और ये लोग शांत है, जान दो, आप समझ रहे बात ऐसा होता है। मैं सिर्फ पॉलिटिशियन की सच्चाई बता रहा हूं, ये इस तरह के पॉलिटिशियन है, सत्ता मिलने के बाद कोई बात नहीं करता, क्योंकि पहले जब उद्धव ठाकरे जी सरकार में थे तब ये ज्यादा बात नहीं करते थे, इनके हर चीज का रिप्लाई नहीं करते थे, बहुत ज्यादा हो गया तो एक आधा स्टेटमेंट बोल देते थे कि ये तो मेरे परिवार के ऊपर आघात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, उनके पास कोई तथ्य नहीं बस। लेकिन इधर बिंदास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके नारायण राणे बोल रहे थे, इधर देवेंद्र फडणवीस भी बार बार बोल रहे थे कि नहीं शिवसेना अपना सुशांत के केस में इंसाफ होना चाहिए, सीबीआई आनी चाहिए, उनकी वाइफ भी बोल रही थी इस बारे में। लेकिन अब जब सरकार आ गई है, सरकार बीजेपी की बन गई है, एकनाथ शिंदे के साथ बन गई है, लेकिन अब ये लोग नहीं बोल रहे, अब उद्धव ठाकरे जी बोल रहे जो पहले नहीं बोलते थे, क्योंकि अब इनके पास सरकार नहीं है। अब ये बोलेंगे, अब एक एक चीजें बिंदास तरीके से, खतरनाक तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात भी बताता हूँ, शिवसेना की साइड में आपने देखा होगा हमेशा बहुत कम मीडिया है तो इनके साइड से बात करती है, क्योंकि मीडिया का एक सिंपल सा रूल है, दिल्ली की सरकार जो होगी उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक दिल्ली की सरकार आपकी बन गई तो समझ जाओ बाकी स्टेट बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, सिर्फ फिर वो तैयारी रखते हैं कि कब ये गलती करेगा, ताकि उधर एजेंसी भेज दिया जाए और सरकार को गिरा दिया जाए। तो उनको ये मौका दिया था सुशांत सिंह राजपूत के केस ने, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का केस हमें लगा कि सॉल्व करने के लिए सीबीआई आ रही है, सीबीआई तो चुप हो गई, और ये राजसीय मामले जो है, जो एक दूसरे के ऊपर बोलना, वो तो चल ही रहे हैं कंटिन्यू। पहले जो सत्ता में था वो नहीं बात करता था, जो सत्ता में नहीं है वो सत्ता पाने के लिए बात करता था, अब जब पार्टियां बदल गई, जब उद्धव ठाकरे वहां सत्ता में नहीं है तो वो बात कर रहे हैं और जो सत्ता में है वो चुप हो गए। ये सियासी खेल यहाँ का ही नहीं है, भारत के हर एक पॉलिटिशियन का है, वो यहाँ महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, पंजाब का हो, किसी का भी चीज का हो, ये होता ही रहेगा। लेकिन बीजेपी को आज ये समझना चाहिए कि अब महाराष्ट्र में अगर आपके पास टाइम है बहुत कम, 2024 मेरे हिसाब से 2 साल भी नहीं है आपके पास, 1.5-2 साल है, इस टाइम में अगर आप वाकई में एक एक महीना मंत्रिमंडल बनाने में टाइम लगा रहे हो और विकास नहीं कर पाओगे, अगर इस समय आपने विकास नहीं किया महाराष्ट्र का, मुंबई का, तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा 2024 में आना, शायद इस वजह से भी ये बोल सकते हैं। और फिर 2024 में ये बोलने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगा बीजेपी कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिला, हमारे तो सब बर्बाद करके दे दिया था हमारे हाथ में, जो सेम चीज़ें ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोलने वाले हैं, क्योंकि सीबीआई जब बोलेगी क्लोजर रिपोर्ट देगी तो उसका रीज़न क्या डालेगी मालूम है आपको, अरे मुंबई पुलिस तो सारे ही सबूत खत्म कर देते हैं, अरे मत सिखाओ सीबीआई हमको, क्योंकि आपको बहुत सारे डिजिटल एविडेंस होते हैं, मेरी बात छोड़ो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी ऐसा आज की डेट में क्राइम पेट्रोल वेब सीरीज सब देखते हैं, उनको भी पता है कितने डिजिटल एविडेंसेस होते हैं और 7-7 साल बाद भी केस सॉल्व होते हैं। ये हमें मत सिखाओ कि क्या एविडेंस होंगे या नहीं होंगे, ये यही बोलने वाले कि भाई सारे सबूत तो खत्म कर देते, हमको तो कुछ मिला ही नहीं, हम क्या कर सकते। अरे बाबा मत बताओ, विस्रा रिपोर्ट के लिए अभी भी सैंपल्स रखे हुए हैं, सारे डीएनए टेस्टिंग रिपोर्ट आज भी
सिक्योर्ड करके रखे हुए हैं, हालांकि जितना टाइम जा रहा है वो नष्ट होते जाते हैं, फिर भी आप केस सॉल्व नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्यों। वो चार आदमी जो घर में थे उसका तो सीधा सीधा एग्जाम्पल में हंसी आती इस बात पे कि साला कर क्यों नहीं रहे काम। चार आदमी को घर में पकड़ के सीधा सीधा होना चाहिए। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा नार्को टेस्ट का क्या कहानी है और क्यों नहीं कर रहे चार लोगों को, वो वीडियो जरूर देखना। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, मैं ऐसी खबरों के साथ आपके साथ आते रहूंगा। लेकिन जल्दी ही देखते कि वाकई में उद्धव ठाकरे जी जो बोल रहे हैं, आदित्य ठाकरे भी उसके बारे में बोल रहे हैं, तो उसके पीछे के राज क्या होने वाला है इस केस में, देखते हैं।